Hello, hey everyone. I am Priyanka and welcome to my channel. Today we will do chapter 10 of class 10th, which name is light reflection and refraction. Okay, so first of all we have to understood what is light. Light kya hai? Agar hum light ki baat karein, light jo hai kafi diverse form hai light ka. तो यहाँ पे हम उसके कुछ फिनोमिनल्स की बात करने वाले हैं, जिसमें कि हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा टॉपिक है आज का, उसको आज हम करेंगे. उससे पहले हम सबसे पहले क्या समझ रहे हैं कि व्हाट इज लाइट. लाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसको हम क्या कह सकते हैं? ये हमारा क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी का, जो कि काफी सारे सोर्सेस से हमें मिल सकता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो हमारा बिग सोर्स है लाइट का, वो क्या है? सन है. ओके, और अगर हम यहाँ पे बात करें कि व्हाई लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि लाइट हमारा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि विदाउट लाइट वी कांट एबल टू सी एनी थिंग्स. कोई भी चीज को हम नहीं देख सकते विदाउट लाइट, अगर वहां पे लाइट प्रेजेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डार्क रूम है और वहां पे काफी सारी चीजें रखी हुई हैं और वो डार्क है, मीन्स कि वहां पे लाइट प्रेजेंट नहीं है, तो वी आर नॉट एबल टू सी एनी थिंग्स प्रेजेंट इन दैट रूम. उस रूम में कोई भी चीज जो प्रेजेंट होगी उसको हम नहीं देख पाएंगे. व्हेन लाइट ग्लोज इन दैट हाउस, और वी कैन से दैट इन दैट रूम, जब लाइट वहां पे ग्लो की जाएगी, ब्लो की जाएगा बल्ब, तो तभी हम वहां पे क्या कर पाएंगे, उन चीजों को देख पाएंगे. तो हमने यहाँ पे क्या समझा, लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि लाइट अगर नहीं होगा तो हम चीजों को देख नहीं पाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस हमारा होता है, देखना. ठीक है, दूसरी चीज हमारे माइंड में आएगी कि ऐसा क्यों होता है कि डार्क में वही चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वो हमें दिख रही हैं. तो उसके पीछे का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, उसको आज हम समझते हैं. लाइट, लाइट का वर्क होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या करना, स्ट्राइक करना. उसकी जो रेज होंगी वो क्या करेंगी, स्ट्राइक कर रही हैं. अगर वो स्ट्राइक करके वापस आ गई तो वो हमें चीज क्या होती है, दिखाई देती है. क्यों? क्योंकि जो लाइट का फिनोमिनन है, लाइट स्ट्रेट गई, वहां टकराई, स्ट्राइक की उस ऑब्जेक्ट पे, और उस ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करने के बाद जो रिवर्स बाउंस होती है वापस आती है और हमारे कहां पे पहुंचती है, हमारी आईज तक पहुंचती है, तब हमें वो चीज क्या होती है, दिखाई देती है. और अगर कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है, मतलब कि वहां पे लाइट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है पूरा का पूरा. ठीक है, तो यहां पे लाइट जो है उसका जो रिफ्लेक्शन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और हम यहाँ पे जो टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो सबसे पहले हमारा माइंड में आएगा ये क्वेश्चन कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन है क्या. तो रिफ्लेक्शन को हम समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन हमारा क्या है, इट इज अ बाउंस बैक ऑफ लाइट रे. कोई लाइट रे जो गई, किसी ऑब्जेक्ट से टकराई, स्ट्राइक किया और वापस जो आई, दैट फिनोमिनल इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. कि लाइट का क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है, मतलब वापस लौट के वो आई है. ठीक है, तो यहां पे लॉज को अगर हम लॉज की बात करें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो उसके लिए हम एक हेल्प लेंगे, एक प्लेन मिरर लेंगे, जो कि एक साइड से क्या है, पॉलिश्ड है. मिरर है तो पॉलिश्ड होगी ही. ठीक है, तो यहां पे हम एक प्लेन मिरर की बात करते हैं और हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या लेने वाले हैं, एक प्लेन मिरर लेने वाले हैं. ये हमारा एक प्लेन मिरर है जो क्या है, एक साइड से पॉलिश्ड है.
वन साइड से क्या है वो पॉलिश्ड है, और हम यहाँ पे देखेंगे कि एक रे जो है क्या होगी, इंसिडेंट होगी उसके ऊपर, एक रे जो है वहां पे, यहाँ पे सपोज दैट इस पॉइंट पे क्या करेगी, टकराएगी ठीक है, और फिर वापस से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, लाइट जो आई, जो यहां पे आके क्या हुई है, स्ट्राइक हुई है, ये जो रे है वो क्या कहलाई, इंसिडेंट रे ठीक है। ये रे क्या है हमारी, इंसिडेंट रे। जो बाउंस बैक होके जो रे वापस गई है वो रे हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। रे तो बेसिकली आपको पता होगा रे क्या होता है हमारा, एक सिंगल लाइट का जो लाइन आएगा उसको हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। बट अगर आप बंडल ऑफ रेज हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगी, बीम हो जाएंगी, जो एक फिक्स्ड लाइट हमें दिखाई देती है, जैसे व्हाइट लाइट होता है हमारा, वो क्या होता है, बंडल ऑफ रेज होता है, और वो हमारा क्या होता है, उसको हम बीम कहते हैं। और यहां पे क्या है, ये रे है ठीक है, जो सिंगल हम एक लाइन की बात कर रहे हैं लाइट की ओके। और यहां पर हमने देखा कि लाइट आई और वो क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई है, जो हमारा जो रे यहाँ पे स्ट्राइक किया है उसको हमने क्या कहा, इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट हुआ है उसको हमने क्या कहा, रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि ये प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होगा, और उसका नाम क्या होगा, नॉर्मल ठीक है। ये जो लाइन है वो क्या है हमारी, नॉर्मल है जो कि क्या होती है, यहां से ये लाइन जो होती है ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, मीन्स कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है, किससे, जो हमारा ये प्लेन मिरर है। हमने क्या नाम दे दिया, नॉर्मल, नॉर्मल लाइन ठीक है। तो अब हम अगर बात करेंगे यहां पे, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर टू पॉइंट्स आते हैं जो कि क्या है हमारा, फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, मीन्स कि यहां पे जो एंगल ड्रॉ हो रहा है, जो हमारा एंगल है जो कि नॉर्मल से और यहां पे जिस पॉइंट पे वो क्या हुई है, स्ट्राइक हुई है, और वहां से जो हमने क्या किया, एक नॉर्मल को ड्रॉ किया है ठीक है, उसी पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है, कहां से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से ठीक है, पॉइंट ऑफ जो स्ट्राइक है, इंसिडेंट रे का जो स्ट्राइक है, जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक की है वहां से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और उसी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो हमारा एंगल बनता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो एंगल हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आई, आई फॉर इंसिडेंस ओके। ऐसे ही जो हमारा रे है, रिफ्लेक्टेड रे, और जो नॉर्मल के बीच में जो हमारा एंगल बनेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल आर से, स्मॉल आर से। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो फर्स्ट उसका पॉइंट है वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है दैट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो हम यहां पे राइट डाउन कर लें, एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स एंगल आर। ओके, एक पॉइंट हमारा कवर हो गया। जो सेकेंड पॉइंट है उसमें क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो ये हमारा इंसिडेंट रे है नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। ये क्या करती है, ये तीनों लाइंस जो है वो क्या कर रही है, वो सेम प्लेन पे लाई कर रही है। ठीक है, तो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये क्या कर रही है, ये सारे जो है ये तीनों जो लाइन्स है हमारी, कौन कौन सी, जो रिफ्लेक्ट इंसिडेंट लाइन है इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल है हमारा और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों क्या कर रही हैं, एक ही प्लेन पे लाई कर रही हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, इसमें हमने इंपॉर्टेंट बात क्या देखी, जो हमारा नॉर्मल होता है वो क्या होता है, एक परपेंडिकुलर लाइन है और वो हमने कैसे ड्रॉ किया है, वो हमने जो यहाँ पे इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे सपोज दैट ओ पॉइंट पे टकराई है, स्ट्राइक की है, उसी ओ पॉइंट से हमने क्या लिया है, परपेंडिकुलर लाइन लिया है, जो परपेंडिकुलर किसके है, प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर है। ओके, और वहीं से उसी पॉइंट से जितना एंगल ये बनाती है उतना ही एंगल बनाते हुए जो रिफ्लेक्टेड लाइन है वो क्या हो रही है, बाउंस बैक हो रही है। ओके, I hope you have understood all the concept of this topic. Okay. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें. So, bye everyone. And wait for the next video.